Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, this video is going to be very important for those who are planning to appear for ZAT 2024 exam, because in this video, I will be discussing about the top 12 B schools that accepts ZAT score. So guys, कई बार क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि ZAT एग्जाम दे रहे हैं, बट ZAT में अपार्ट फ्रॉम एक्सेल आर आई कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, इसकी क्लैरिटी नहीं रहती है. तो गाइस, ये टॉप 12 जो बी स्कूल्स हैं, ये रेनाउंड है, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जानती हैं इनको और इनका पैकेज भी डिसेंट है. ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं. वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज हम लोग के चैनल पे कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने लास्ट ईयर का कैट के तीनों स्लॉट्स के सोल्यूशन दे दिए हैं, कॉन्ट सेक्शन के एंड स्नैप के भी तीनों स्लॉट के सोल्यूशन दे दिए हैं. ठीक है, तो आप फॉलो करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा. चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, पहला कॉलेज कौन सा है देख लेते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, एक चीज और है, बस टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हम लोग हैं, इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इसको जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको काफी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे. सो गाइस, बात करते हैं कॉलेजेस की. गाइस, डेफिनेटली पहला कॉलेज कौन सा है, एक्सेल आर आई जमशेदपुर, जिसके लिए मेनली जैट होता है. ये कॉलेज जो है नो डाउट टॉप 5 में आता है इंडिया में. इसका जैट कट ऑफ 94% आई है एंड एवरेज पैकेज जो है इस कॉलेज का 25 लाख है. ठीक है, बिकॉज 94 इज द मिनिमम परसेंटाइज कट ऑफ, मतलब ही होता है मिनिमम परसेंटाइज जिस पे आपको कॉल आ जाए, बट सेफ साइड रहेगा 96-97 तो अच्छा रहेगा आपके, 94 प्लस भी कॉल आ जाती है. ठीक है गाइस, यही एक ऐसा कॉलेज है जिसके लिए मैक्सिमम लोग एक्सेल आर आई के लिए जैट देते हैं. ठीक है गाइस, एक इंपॉर्टेंट अच्छी बात क्या है जिससे मैं जैट के लिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, इस बार एक्सेल आर आई में सीट्स बढ़ गई हैं अराउंड 33.33%, 1/3 सीट्स इंक्रीज होंगी. हमने वीडियो बनाया था नोटिफिकेशन वाला, आप जाके वेबसाइट में चेक कर लेना एक्सेल आर आई की, आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्सेल आर आई के प्रोग्राम डीएम प्रोग्राम के लिए सीट्स इंक्रीज हुई है, जिससे काफी चांस बढ़ सकता है आपका. ठीक है गाइस, सेकंड कॉलेज कौन सा है, एग्जामी जेवियर. इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 91% के अराउंड है एंड एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 15 लाख. देन वी हैव आईएमटी गाजियाबाद. आईएमटी गाजियाबाद काफी डिसेंट कॉलेज है, इंडिया में टॉप 25 में आता है यू कैन से. इसका जैट कट ऑफ 90% आई है, कैट से भी लेता है जैट से भी लेता है, जैट में 90% सेफ स्कोर है एंड एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 14 लाख. सो गाइस, आईएमटी गाजियाबाद जितने भी कॉलेज बताए मैंने, इनमें पैकेज इंपॉर्टेंट है, पैकेज से ज्यादा ब्रांड इंपॉर्टेंट है कि इनका नाम भी है. ठीक है, देन गाइस वी हैव माइका अहमदाबाद. ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज है जैट कट ऑफ 85% आई है, बट अपार्ट फ्रॉम जैट कट ऑफ आपको इनका खुद का एग्जाम भी देना होता है. मतलब इनके दो क्राइटेरिया होते हैं कि आपको मिनिमम जैट या कैट में इतना लाना है, उसके अलावा आपको माइका का एग्जाम जो होता है वो देना होगा. ठीक है, काफी अच्छा नाम है इस कॉलेज का. ठीक है, बेसिकली ये कॉलेज मार्केटिंग के लिए जाना जाता है. ठीक है, बस इसके बारे में देख लेना आप, इसका एवरेज पैकेज 13 लाख. देन वी हैव आईएमआई. आईएमआई अभी लास्ट 3-4 साल में काफी ग्रो हुआ है. आईएमआई न्यू दिल्ली भी एक डिसेंट ब्रांड बन चुका है. इसका जैट कट ऑफ 88% आई है एंड एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 13 लाख. वैसे एक बात मैं क्लियर करता हूँ कि एवरेज पैकेज है, ये प्लेसमेंट रिपोर्ट के पैकेज नहीं लिखे हैं, थोड़ा सा उससे मैंने कमी लिखा है, बिकॉज प्लेसमेंट रिपोर्ट का पैकेज जो होता है उसे थोड़ा बहुत कम करके आप मानोगे तो आपको सेफ रहेगा आपके लिए. नो डाउट अगर 13 लाख बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको 17-18 लाख मिल जाए वहां पे, बट मैं उतना बता रहा हूँ जितना डुएबल है, मतलब हर किसी को मिल सकता है पैकेज, बाकी इसका भी नाम है. फिर आता है गाइस जिम गोवा. जिम गोवा काफी डिसेंट है, काफी ग्रो हो रहा है तेजी से. ठीक है, जैट में 85% पे कॉल आपको आ सकता है एंड एवरेज पैकेज 12 लाख है. गाइस मैक्सिमम कॉलेज ऐसे हैं इसमें जो कैट से भी लेते हैं जैट से भी लेते हैं, तो आपके पास अच्छा चांस रहता है कि बाई चांस आपका कैट खराब हो गया, नहीं हो पाया अच्छा कुछ रीजन की वजह से, तो आप जैट दे दोगे तो आपको काफी चांस बढ़ जाएगा आपका. देन वी हैव जीएलआई इन चेन्नई, ग्रेट लेक्स चेन्नई. ये भी काफी पुराना कॉलेज है, काफी अच्छा नाम है इसका. जैट कट ऑफ 85% एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 11 लाख. देन वी हैव टापनी. टापनी मणिपाल काफी अच्छा ब्रांड है इसका, इसका भी जैट कट ऑफ 85% आई है, एवरेज पैकेज इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट 14 लाख लिखा है, बट मैं 12 लाख मान के चल रहा हूँ, एक सेफ पैकेज, इसका भी डिसेंट नाम है. ठीक है, मतलब 80 से 85 के बीच में कॉल आ जाती है, 85 सेफ मान लो आप परसेंट आई. देन वी हैव केजे समाया मुंबई. केजे समाया मुंबई का कट ऑफ 80% रहता है, थोड़ा प्रोफाइल बेस्ड कॉलेज है केजे समाया, मतलब प्रोफाइल 35% वेटेज स्कोर का होता है, बाकी प्रोफाइल एंड जीडीपीआई बेटर वेटेज होता है. एवरेज पैकेज इज क्लोज टू 9 लाख. ठीक है, इसका एवरेज पैकेज 9 लाख के अराउंड है, बट नाम इसका है काफी, नाम डिसेंट बना लिया इन लोगों ने. अगर आपको लेना ही एडमिशन कोई ऑप्शन नहीं, तो आप बिल्कुल जा सकते हो उस कॉलेज में, केजे समाया का नाम बन चुका है काफी. देन वी हैव इरमा आनंद, गुजरात में है ये रूरल मैनेजमेंट का कॉलेज है. कुछ लोग इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो लोग देख सकते हैं, जैट से आप लेता है, कैट भी लेता है जैट भी लेता है. जैट अकॉर्ड ऑफ 85% आई है एंड एवरेज पैकेज इसका 10 LPA.
देन वी हैव फोर फोर दिल्ली, फोर दिल्ली भी डिसेंट कॉलेज है, ठीक है, इसका एवरेज पैकेज सेफ पैकेज 9 लाख है एंड परसेंटाइल 80% है। कुछ लोगों को 12-13 लाख का पैकेज मिल जाता है, बट मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि पैकेज हमने ऐसा लिया है जो बिल्कुल सेफ होगा, ठीक है, बाकी इस कॉलेज का भी नाम है। देन वी हैव वेलिंगकर मुंबई, वेलिंगकर मुंबई एक डिसेंट है, नाम बन चुका है काफी, अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो आप बिल्कुल ले सकते हो उस कॉलेज में एडमिशन, इसका जैड कट ऑफ 75% है, ठीक है, एंड एवरेज पैकेज सेफ पैकेज क्लोज टू 8-9 लाख, ज्यादा भी मिल सकता है गाइस, हो सकता है आपको 13-14 लाख भी मिल जाए, बट एक सेफ पैकेज है एज पर द स्टूडेंट रिव्यूज, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहां जो लोग पढ़ रहे हैं उनके रिव्यू किया गोल्डन, ठीक है, एक पैकेज मैंने लिया है 8-9 लाख, बट अपार्ट फ्रॉम द पैकेज इस कॉलेज का नाम है, मतलब ऑलमोस्ट सब कंपनी जानती है इसको, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सो गाइस ये कॉलेजेस जो है, ये मैं कॉलेज आपको बताए हैं, इसमें से मैक्सिमम कॉलेज कैट भी लेते हैं, तो गाइस जैड में काफी लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं जैड को, जैड दो, जैड से डरो मत, जैड में जो अब टफनेस है उतनी नहीं जितनी पहले थी, जैड में कॉन्स आज से कुछ 8-9 साल पहले बहुत टफ आती थी, मतलब कुछ 10 साल पहले बहुत ही टफ आती थी, मतलब कोई अगर 2-4 क्वेश्चन भी कर रहता था उस टाइम पे तो काफी माना जाता था, बट अब जैड की कॉन्स लेवल नॉर्मल हो गए हैं, अगर आप कैट के लिए ढंग से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जैड में भी कुछ क्वेश्चन करके आराम से आ सकते हो, प्लस डिसीजन मेकिंग ढंग से करना है आपको, वीआरसी आपको अच्छे से करना पड़ेगा, बिकॉज वीआरसी में ग्रामर भी आता है, आरसी भी आता है, सब आता है, जैड को गैस टारगेट रखो, जैड को अंडरस्टैंड मत करो, मैं जैड में इस साल और ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेटेड सीट्स पढ़ाई है, ठीक है, गैस कैट एंड जैड थोड़े स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं, तो कैट जैड का थोड़ा वेटेज माना जाता है, इसलिए आप देख रहे हो कि वेलिंगकर का 75% वेटेज है, 75% कट ऑफ क्यों है, बिकॉज जैड एक अच्छा एग्जाम है, इसलिए कम में भी बुला लिया उसे, इसी तरह सीमैट में 98 भी नहीं बुलाता है, कभी कभी 95 भी नहीं बुलाता, तो वो चीज है, तो गैस 12 में से मैं मानता हूँ 8-9 से 10 कॉलेज तो ऐसे ही जो कैट से भी लेते हैं, तो आपको कैट जैट दोनों देना चाहिए मेरे को, ठीक है, और आपने कैट के ढंग से प्रिपरेशन करी तो आप जैट भी निकाल लोगे, इवन आपने नॉन कैट की प्रिपरेशन भी करी है, बिकॉज क्वांट से स्नैप का भी टफ था, अगर आप नॉन कैट के लिए भी पढ़ रहे हो कैट नहीं दे रहे हो स्टिल जैट देना चाहिए आपको, क्योंकि नॉन कैट की क्वांट्स आज की डेट में ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई कैट से, अलजेब्रा थोड़ा कम कर दो तो, ठीक है, तो गैस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तैयारी करो, ठीक है, सारी वैरायटी ढंग से करो, अनस्ट्रक्चर प्रिपरेशन उसको बोलते हैं कि आपने कुछ पढ़ा ना हो ज्यादा आप मॉक देने बैठ गए, वो गलती मत करना, मॉक एक टेस्ट होता है गैस, टेस्ट आप कब दे दो जहाँ सब कुछ कर लिया हो, गैस काफी लोगों का तरीका काफी खराब होता है पढ़ने का, काफी लोग मॉक का हर क्वेश्चन सोचते हैं कैसे होगा, मैं कई बार देखता हूँ ग्रुप में कि बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं, मतलब लोगों ने चैप्टर पढ़ा ही नहीं सीधे मॉक ही देना शुरू कर दिया ऐसा लगता है, तो ये गलती मत करो गैस, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ ईयर्स कुछ मैटर नहीं करता है, आप पढ़ कर रहे हो कंटेंट क्या वो ज्यादा मैटर करता है, कोई अगर आज से ही स्टार्ट करता है ना अभी से उसका 200% चांस है कैट में 90 आने का, बट एक प्रॉपर कंटेंट स्ट्रक्चर प्रिपरेशन मैटर करेगी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या आपको वो टाइम वेस्ट ना हो आपका, आप जो कंटेंट यूज करो बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट हो, कंटेंट ज्यादा होना भी खराब है, ठीक है गाइस, अगर अभी भी टाइम है, अगर आपको कैट इनकेस नहीं देना है, नॉन कैट में प्रिपरेशन करनी है, यू कैन चेक आउट अवर नॉन कैट कोर्स, एक्सट्रीमली डिटेल्ड कोर्स है, 18 जुलाई से बैच स्टार्ट हुआ है, अभी मुश्किल से 4 या 5 क्लासे हुई है सारे सेक्शन के लाके, ठीक है, हम उन्होंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया है, क्रिटिकल रीजनिंग की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, ये नॉन कैट कोर्स आपके जितने भी नॉन कैट एग्जाम है इंक्लूडिंग जैड सब कुछ कवर करता है, हम लोग जैड के अलग से क्लासेस कराएंगे और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं आपके IFT, CMAT, CD, SRCC सब कुछ सारे सबके कोर्स है, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDK अभी से लेकर अगले साल मई तक आपको जो भी चाहिए आपको सबसे मिलेगा, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना, ठीक है, इसकी कॉस्ट शायद अगर 18,000 हो तो भी मैं कम बोलूंगा, बिकॉज खाली मॉक टेस्ट ही अगर आप ऐड कर दो वही 6-7 हज़ार के, ये गाइस फाइनल रिमाइंडर है, मतलब बहुत ही जल्दी से एनरोलमेंट क्लोज हो जाएगा, बिकॉज एक टाइम के बाद आप भी कोप अप नहीं कर पाओगे, एंड आपको अगर खाली एनरोलमेंट देना है देन प्राइसिंग 6500। नॉन कैट में एक अच्छी बात किया कि आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिलती घर के लिए, लास्ट ईयर अराउंड 120 प्लस SIBM SC कॉल्स थी एंड मोर देन 35 से 40 NMIS कॉल्स थी एंड मेडिसिनल, ठीक है, इंक्वायरी अगर करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर में दिखा दूंगा, बट अभी भी अगर टाइम प्रॉपर वे में करो तो हो जाएंगी चीजें, बाकी हम लोग का कैट का कोर्स भी काफी डिटेल्ड है, ठीक है, कैट में हम लोग ज्यादा वो नहीं करते हैं, कैट का कोर्स में सारी फैकल्टीज काफी एक्सपीरियंस है, क्वांट्स में पढ़ाता हूँ, अलर्ट यही कैट का जो है उसके लिए वी हैव निशान सर एंड एक फैकल्टी और है जो 10 अगस्त से आएगी जो आपको 60-70 सेट्स कैट लेवल के कराएंगी, ठीक है, वो फैकल्टी एक और है एंड VRC के लिए हम लोग टाई अप है बोधी प्रेप के साथ, हम चाहते हैं कि सारे सेक्शन बेस्ट हों इसलिए हमने बोधी प्रेप के साथ टाई अप किया है, ब्रिजेश सर जिसने कैट की इंक्वायरी करी है देखा होगा नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, वो VRC में नंबर 1 है ऑनलाइन में मेरे को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो हम लोग का कैट कोर्स भी इक्वली अच्छा है NMAT की तरह, बस क्या है कि हम लोग NMAT में ज्यादा फोकस करते हैं एज कम्पेयर टू कैट, कैट में हम लोग का बैच साइज छोटा होता है 50-60 स्टूडेंट्स का, ठीक है, कंप्लीट MBA कोर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग,
अगर आपको कैट की प्रिपरेशन भी करनी है देन यू कैन इंक्वायर, ठीक है, आपको डिटेल्स रिव्यूज डेमो वीडियो सब मिल जाएगा। बाकी हम लोग का प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल है कैट का, ये हम लोग के कोर्सेज हैं, बाकी गाइस या देख सकते हो, ठीक है, रिजल्ट्स रिव्यूज बहुत सारे आते रहते हैं हम लोग के। गाइस मेन चीज यही होती है कि हम लोग सब कुछ क्लास में ही कराना चाहते हैं, क्योंकि क्लासेस डिटेल्ड होती है। जब हम लोग क्लास कराते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं आपको क्लास के अलावा कुछ नहीं दिया, तो हम चाहते हैं सब कुछ क्लास में ही हो जाए, इसीलिए क्लासेस में सारी वैरायटी कवर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नहीं चाहते जब एग्जाम में आप बैठे हो तो आपको नए नए क्वेश्चन दिखे, ठीक है। चलो गाइस एक प्रॉपर जोश के साथ तैयारी स्टार्ट करो गाइस, अगस्त आने वाला है, आपके फॉर्म्स की डेट आने वाली है, सबके फॉर्म्स निकलेंगे अगस्त 1 वीक में, तो अभी टाइम है, इम्प्रूव हो जाओ। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।